हेलो। लाइट विजिबल हो रहा सर है? हो रहा यस है ना। जो तीन टॉपिक हैं फटाफट से स्टार्ट इंग्लिश हो गया, तो उनमें एक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दूसरा है अल्ट्रासोनिक टेस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, इसका पहले फिगर दिखाता हूँ सीधा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा सैंपल है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस सैंपल की सरफेस पहले हम क्लीन कर लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद उस सरफेस पर हम एक लिक्विड ऐसे करके डाला देते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेनेट्रेंट। पेनेट्रेंट अप्लाइड टू द सरफेस एंड एंटर्स डिफेक्ट। और ये पेनेट्रेंट जो है वो लो डेंसिटी का होता है। ओके, लो डेंसिटी का होता है, छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर भी एंटर कर जाता है। इस तरह से अगर सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे क्रैक होंगे तो उसके अंदर ये पेनेट्रेंट एंटर कर जाएगा। कि जो एक्सेस पेनेट्रेंट है, ऊपर सरफेस के ऊपर है, किसी क्रैक के अंदर एंटर नहीं हुआ है, उसको हम रिमूव कर देंगे। एक्सेस पेनेट्रेंट रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। देन थर्ड स्टेप में हम एक अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, डेवलपर पाउडर है, तो उसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो डेवलपर पाउडर क्या करता है, वो पेनेट्रेंट को क्रैक से निकाल लेता है बाहर। और जहां भी ये डेवलपर पेनेट्रेंट मिलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपका डेवलपर कर लिया है, दिस इज द पेनेट्रेंट एंड दिस इज द डेवलपर। ओके, सो सिर्फ ये एक ऐसा एरिया है जहां पे पेनेट्रेंट भी है और डेवलपर भी है। तो एरिया पे ही आपका एक यूनिक कलर आ जाएगा, और आप इस कलर को देख के पहचानेंगे कि इस जगह पे कोई क्रैक है। ओके, एक्सेंट्रिक इंसिडेंट इंडिकेशन ऑफ क्रैक एज पेनेट्रेंट स्प्रेड अराउंड द ओपनिंग। सो दिस वुड बी क्लियर आउट हियर एंड आई एम जस्ट रीडिंग पॉइंट्स। सो दिस मेथड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर सरफेस फ्लॉस एंड इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो जो हमने पहले स्टेप पढ़ा था मेथड, वो था मैग्नेटिक पार्टिकल, सो दैट वाज ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। Although this method can be used for all types of materials, materials के लिए हम इस method को use कर सकते हैं, all materials। इसमें जरूरी नहीं है कि वो metal हो, ठीक है, या non metal हो, या ferrous हो, ठीक है, ceramic हो, composite हो, all the metals, all the materials, actually we can apply this process, dye penetrant testing। तो इस process में क्या करते हैं, subject to be examined is first of all केमिकली क्लीन। बेटा आवाज आ रही है? यस 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 सर। थैंक यू। उसको केमिकली क्लीन कर लेते हैं, यूजुअली वेपर फेज है ना, कोई वेपर उसके ऊपर, जैसे आपका सरफेस है, ठीक है, इस सेल के मान लो इस वाली सरफेस को हमें टेस्ट करना है। सबसे तो इसमें टेस्ट क्या करते हैं, इस सरफेस पर कोई ब्रेकिंग है क्या, है ना, सिमुलेशन पता होनी चाहिए कि इससे कर सकते हो, इससे हम क्रैक देख सकते हैं, क्रैक या ब्रेकिंग। ओके, या कोई सरफेस के ऊपर इंप्योरिटी है, सरफेस इंटरनल क्रैक, इससे हम नहीं देख सकते इंटरनल क्रैक या इंटरनल डिफेक्ट भी आपको, तो ये इससे नहीं देख सकते, not possible at all. Only the surface flaws we can detect. तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी सरफेस कर लेंगे। ओके, क्लीन करने के बाद देन क्लीन करके क्या होगा कि जितने भी ट्रेसेस हैं ऑफ द मटेरियल्स, कुछ भी डस्ट है, ग्रीस है, डर्ट है, ETC, जो भी चीजें हैं, वो सारी सरफेस से रिमूव हो जाएंगी। ओके, और क्रैक के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है ना, मान लीजिए सरफेस के ऊपर क्रैक,
यूजुअली क्या होता है कि वो क्रैक आपका धूल मिट्टी से या किसी और मटेरियल से ऐसे भरा होता है। ओके, इसलिए हम अगर नेकेड आई से इसको देखते हैं तो पहली बार में हमें समझ में नहीं आया ये कोई क्रैक है, ये यही मटेरियल है, क्योंकि ये क्रैक आपका ऐसे होलो नहीं है, वॉइड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आपका डर्ट, ग्रीस या कोई और मटेरियल भरा होगा। तो सबसे पहले हम उसको बाहर निकालना है, जब हम उसको बाहर निकाल लेंगे देन हम दूसरा स्टेप इसमें कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में सीधे से ये आपका दिस इज द पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट सरफेस पे हम अप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसमें पेनिट्रेंट तो जो हमारा ये डिफेक्ट सॉरी क्रैक है उसके अंदर आपका पेनिट्रेंट एंटर कर जाएगा। ओके, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, छोटे मोटे क्रैक हैं सबके अंदर आपका पेनिट्रेंट एंटर कर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेसमेंट है या एक तरह से पूरी सर्फेस में पेनिट्रेंट फैला हुआ है वो हम सारा का सारा हटा देंगे, वहाँ से साफ कर देंगे उसको, पूरी सर्फेस को, यहाँ पे कोई पेनिट्रेंट ना रहे, नो पेनिट्रेंट इज देयर। ओके, तो अभी आपका सिर्फ क्या रहेगा, क्योंकि जो क्रैक के अंदर पेनिट्रेंट है सिर्फ वो बचेगा, बाकी हट जाएगा। सेकेंड स्टेप में सिर्फ आपको पेनिट्रेंट को हटाना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डेवलपर अप्लाई करना है इस सर्फेस पर। डेवलपर और पेनिट्रेंट जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पे एक नया कलर निकल के आता है, तो जो फोर्थ स्टेप में आपको मिल जाएगा कि जहाँ भी आपका जो एरिया है, मान लीजिए यहाँ पर भी कोई क्रैक हुआ तो यहाँ भी आपका एक डेवलपर और पेनिट्रेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका एक कलर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा ये कलर का एरिया रहेगा समझो उतना बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम सरफेस क्रैक ये सरफेस डिफेक्ट को इस मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लिसिटी है ऑपरेशन में, कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं चाहिए हमें इसको ऑपरेशन करने के लिए, वी डोंट नीड एनी एक्सपर्ट। ठीक है, कोई भी कर सकता है। बेस्ट मेथड फॉर सरफेस ब्रेकिंग क्रैक इन नॉन फेरस मेटल्स, हर बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फेरस के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, मैग्नेटिक पार्टिकल क्रैक डिटेक्शन। ठीक है, बट नॉन फेरस के लिए ये बेस्ट मेथड हो गया। फेरस ये है, फेरस के लिए आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। टेबल फॉर ऑटोमेटिक टेस्टिंग विद रिजर्वेशन कंसर्निंग व्यूइंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो भी ये स्टेप्स ये सारे ऑटोमेटेड होंगे, नहीं कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा और वो पेनिट्रेंट अप्लाई करेगा, उसके बाद उस सरफेस को क्लीन करेगा, देन उस पर डेवलपर अप्लाई करेगा, तो उसमें कोई ह्यूमन आपको नहीं चाहिए, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, सारा का सारा सीएनसी से ऑटोमेशन के द्वारा कर सकते हैं। सिर्फ जो लास्ट वाला पार्ट है कि जब आपको उसको देखना है आपका ये सरफेस के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे क्रैक था, आपने सब कुछ फॉलो किया तो यहाँ पे एक कलर आ गया। ठीक है, तो जब आपको देखना है तो आपके वो देखने वाला जो व्यूइंग वाला पार्ट है उसके आपको ऑटोमेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे, या कर भी पाओगे तो कुछ और चीजें आपको उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ इजिंग मतलब एक कैमरा लगाना पड़ेगा उससे वो चीज ऑटोमेट हो सकती है। ठीक है, दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब आप एक बार में कितनी बड़ी चाहे ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक छोटी सरफेस लोगे, जैसे कि आपका लास्ट मेथड था ना मैग्नेटिक पार्टिकल था, उससे पहले था एक्सरे एंड गामा रे, है ना, एक्सरे एंड गामा रे, तो इन मेथड का भी कुछ लिमिटेशन था कि भाई अगर आप एक्सरे कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप ये 10 मीटर का यहाँ पे पीस लेकर आ जाओ, है ना, तो उसके लिए आप उसके पूरे सरफेस का एक साथ नहीं कर पाओगे, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मे बी के ये 15 सेंटीमीटर पीस का एक बार में करोगे इतना, है ना, इतने का। बट इसमें क्या कर सकते हो कि कितना भी आपका सरफेस हो एक बार में सारा पेनिट्रेंट अप्लाई करो पूरी सरफेस पे, उसको क्लीन करो, फिर सारे डेवलपर अप्लाई करो, तो एक ही टाइम में आप बड़े से बड़े पीस में कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, देन देर आर सम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस टू, सो दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट ओनली, इंटरनल डिफेक्ट हम नहीं देख सकते। डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसमें नहीं होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्रैक्स भी हो सकते हैं, होता है उनमें आपका
जो डर्ट है वो बाहर ना निकले क्लीनिंग के दौरान, ओके, और हो सकता है कि जो पेनेट्रेंट है वो एंटर ना करे, है ना, बहुत ही छोटे छोटे अगर कोई क्रैक है तो हो सकता है उसमें पेनेट्रेंट एंटर ना कर पाए, तो अगर ऐसा हुआ तो वहां पे आपको कोई एलर्जी नजर नहीं आएगा, तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। यूजेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स जो है बहुत ज्यादा लग रहे हैं इसमें, यानी आपको पेनेट्रेंट, ठीक है, बेसिकली दो ही कंज्यूमेबल्स हैं, पेनेट्रेंट एंड डेवलपर, ओके, तो ये आपको बहुत सारा कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब कि भाई लीटर के हिसाब से कंज्यूम करना, 10 लीटर 20 लीटर आपको चाहिए होगा ये पेनेट्रेंट एंड डेवलपर। उसके बाद जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी आपका बहुत सारी चीजें कंज्यूम करेगा, और इवन टाइम टेकिंग, ठीक है, टाइम टेकिंग, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डाई पेनेट्रेंट टेस्ट। Is it clear? Should we proceed? Yes, sir. अच्छा ये पहले मेथड पढ़ा है आपने कभी? No, sir. हाँ नहीं sir, slide क्यों दिया ये? इससे पहले मतलब कहीं और पढ़ा है क्या इस सब्जेक्ट में? No, sir. Okay, okay. चलिए तो अब अगले मेथड पे आते हैं। वो है आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन में आप क्या करोगे? अल्ट्रासोनिक वेव यूज करोगे, है ना? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है आपकी 0.15 से लेके 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और अप टू 50 मेगाहर्ट्ज तक हम अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि आपने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी, ठीक है, कुछ आपकी एंड तक गई, टकरा के वापस आई, उसमें क्या है, उसमें कोई इम्प्योरिटी है, डिफेक्ट है, उसी से टकरा के वापस आई। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, मतलब जो भी यहाँ पे ये स्क्रीन लगा होता है, क्या बोलते हैं इसको, CRO, ठीक है, तो उससे आप इसको एनालाइज कर लोगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इतने डिस्टेंस पे और इस तरह का एक डिफेक्ट है, ओके, सो क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल एंड सरफेस, पर्टिकुलरली डिस्टेंट सरफेस डिफेक्ट्स इन कंडक्टिंग मटेरियल। मटेरियल कैसा होना चाहिए? साउंड कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें साउंड की। जैसे लकड़ी में आपने देखा होगा वुड होता है, तो साउंड की कंडक्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में अच्छी होती है, खराब होती है वुड में? खराब होती है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक है ना, या आपके फिर सिरेमिक्स है, टाइल्स है, ठीक है, जैसे ब्रिक है, तो ब्रिक और मेटल में किसमें अच्छी होती है साउंड कंडक्टिविटी? मेटल में, ठीक है, तो मेटल में फिर अल्ट्रासोनिक टेस्ट मेटल में इजिली हो पाएगा, ब्रिक में या ब्रिक जैसे मटेरियल में वो इतना इजिली नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, दो मेथड है आपके, एक तो है कि कोई स्लैग है इन स्टील सेक्शन यूजिंग ए नॉर्मल प्रॉब, है ना, एक तो नॉर्मल प्रॉब इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा है यूजिंग ए एंगल प्रॉब, है ना, कि अगर वो डिफेक्ट आपका डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है, अगर वो ऐसे सीधे सीधे है तो आप एक नॉर्मल प्रॉब से भी उसको डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर वो कहीं किसी एंगल पे है, ठीक है, तो आपको एंगल प्रॉब यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स नॉट डायरेक्टली अंडर द प्रॉब सच एज इन वेल्डिंग इंस्पेक्शन। जो डायरेक्टली अंडर नहीं है ये आपका प्रॉब है, जो इसके डायरेक्टली अंडर है वो तो आप नॉर्मल प्रॉब से कर सकते हो, जो डायरेक्टली अंडर नहीं है वो एंगल प्रॉब से कर सकते हो। ये जो है ये आपका क्या है, ये वेल्ड एरिया है, वेल्ड एरिया, वेल्डिंग किया है कभी, देखा है ना, तो ये आपका वेल्ड एरिया मतलब वेल्ड किया है आपने यहाँ पे, तो वेल्डिंग में एक्चुअली डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वेल्डिंग प्रोसेस है कि उसमें क्या है, मेटल बहुत ही इंस्टेंटली लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है, पहले सॉलिड से लिक्विड होगा फिर लिक्विड से सॉलिड होगा, और बहुत ही जल्दी से कन्वर्ट होता है,
हाँ बेटा हेलो। हाँ तो सर, इस टेस्टिंग में सर स्पेसिमेन का साइज बहुत छोटा होता है सर, साउंड की स्पीड तो बहुत तेज होती है, तो सर इसमें मतलब एफिशिएंटली हम लोग मेजर कर पाते हैं कहाँ पे डिफेक्ट? हाँ तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से भेजेंगे। ये हमारे पास 0.15 से 10 MHz और अप टू 50 MHz जो है, तो हम अपने सैंपल के साइज के हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी भेजेंगे उसके अंदर। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, आगे हाँ सर, बताऊंगा। एक एक इको टाइप होता है, यानी रिफ्लेक्शन टाइप, रिफ्लेक्शन वाला होता है, और दूसरा ट्रांसमिशन वाला होता है। कि अगर ट्रांसमिट भी कर जाता है उस मेथड में, हम ट्रांसमिशन से देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब करा के वापस आना, इसको हम बोलते हैं इको। ठीक है, तो दो तरह का होता है ये। ठीक है, सो अगली स्लाइड पे आते हैं इस टेस्ट के बारे में। इसमें हम करते क्या है, बेसिकली मीजर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन पेनिट्रेट मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड फ्रॉम द इंटरनल डिसकंटिन्यूटी एंड रिटर्न टू द पॉइंट वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे वापस आना है। ये आपका प्रॉब है, ठीक है, ये आपका सैंपल है। तो इसमें अगर वो एंड से वापस आ रहा है, यहाँ टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी थी यहाँ पे, उससे टकरा के वापस आ रहा है, तो उसमें टाइम अलग अलग लगेगा। यहाँ पे अगर T1 लग रहा है, यहाँ पे T2 लग रहा है, तो बेसिकली T2 विल बी लेस देन T1, है ना? तो पहले हम तो टाइम से देखेंगे, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई डिफेक्ट है। ठीक है, फिर उसमें और भी एनालिस करके, जो वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, तो हम ये देख लेंगे कि भाई यहाँ पे जो डिफेक्ट है उसका साइज ये है, या वो एक वॉइड है, या कोई फॉरेन मटेरियल उसके अंदर है, ठीक है, इम्प्योरिटी है, या कोई जनरली क्रैक है। ओके, इंटरनल डिफेक्ट इससे हम इजीली देख पाते हैं। सरफेस के लिए तो हमारे पास पहले से बहुत सारे मेथड्स हैं। देन बिहेवियर ऑफ वेव्स, बिहेवियर ऑफ वेव्स थ्रू साइकिल विद रिगार्ड टू टाइम इज रिकॉर्डेड ऑन कैथोड रे स्कोलियोस्कोप, ठीक है, CRO स्क्रीन, जो पिछले वाले इसमें फिगर में था ये वाला, ठीक है, तो जो भी करेगा ये CRO स्क्रीन आपको बता देगा कि आपका टाइम कितना लग रहा है, और वो टकरा के वापस आया है तो कहाँ से वापस आया है। बाय ऑब्जर्विंग दिस दिस प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट एंड देयर लोकेशन कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, इसमें दो मेथड हैं, टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड। वन इज पल्स या इको मेथड एंड अनदर इज ट्रांसमिशन मेथड। पल्स और इको है, इसको हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा ट्रांसमिशन मेथड। तो जैसे नाम है, पल्स या रिफ्लेक्शन मतलब जाएगा और टकरा के वापस आएगा, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है, इस मेथड में हमें इतना ही देखना है, ये इनके इंडिविजुअल उसमें नहीं जाना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि दो है आपके, एक पल्स इको है और दूसरा ट्रांसमिशन। देन इसके कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या है इसके, बेटर डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज सिचुएटेड डीप इन मेटल ड्यू टू सुपीरियर पेनेट्रेशन पावर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, पेनेट्रेशन पावर इसकी सुपीरियर होती है। जैसे एक्सरे और गामा रे में लिमिटेशन है कि आप बहुत ज्यादा थिक सेक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, थिक सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। सेंसिटिविटी बहुत हाई है, एक्यूरेसी मिल जाएगी आपको, रिलायबिलिटी मिल जाएगी। ओके, देन इक्विपमेंट इज पोर्टेबल एंड इजी टू हैंडल। देन आउटपुट ऑफ द टेस्ट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर व्हिच लीड टू इम्प्रूव्ड रिजल्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर से प्रोसेस कर सकते हैं आउटपुट को। कैपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली ऑटोमेटेड, पूरी तरह से इसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा ऑटोमेशन इसमें पॉसिबल है। देन एक्सेस टू ओनली वन साइड नेसेसरी, मतलब जो आपका सैंपल है, ठीक है, अगर इन केस बहुत बड़ा सैंपल है, ठीक है, तो
जरूरी नहीं है कि आपको उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना है, परिक्रमा करनी है, आप सिर्फ एक साइड पे उसके खड़े होके इस पूरे सैंपल में कहीं पर भी कोई डिफेक्ट है तो वो आप एनालाइज कर सकते हो। देन एक और बड़ा एडवांटेज है जो लास्ट टाइम लास्ट मेथड में नहीं डिसएडवांटेज था, वो क्या है, कंज्यूमेबल्स का। यहाँ पे क्या कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और यहाँ पे कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेज हो सकता है एक कि यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बट इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, सेटअप की कॉस्ट थोड़ी हाई रहेगी, ये डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू मैनुअल ऑपरेशन केयरफुल अटेंशन एंड हाई स्किल ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, इररेगुलर शेप एंड रफ पार्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू एग्जामिन, जैसे कोई इंटीग्रेट शेप होती है तो वो डिफिकल्ट है एग्जामिन करना, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है ना कि मान लो कोई इंटीग्रेट शेप है इस तरह से ऐसे करके कुछ डिजाइन है ना, ऐसे करके कुछ पार्ट है, मान लीजिए ये मैंने तो बहुत ही मतलब फटफट सा बना दिया है, तो उसका अगर आप टेस्ट कर रहे हो, इधर आपने प्रॉब लगा रखा है ना, यहाँ से आप अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ रहे हो, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई डिफेक्ट है यहाँ इस जगह, ठीक है, तो अब इसको एग्जामिन करना अल्ट्रासोनिक वेव से थोड़ा मुश्किल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये आपका सैंपल है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, ये आपका प्रॉब है, मतलब आपने अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से भेजा है और इस जगह पे आपका डिफेक्ट है, तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट से अब इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, है ना, कि आप यहाँ पे इससे भेजोगे तो इस सर्फ से टकरा के ये वापस आ जाएगा, ये वाला जो जाएगा वो यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा ये यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा, अब ये डिफेक्ट से टकरा के आ रहा है या सर्फिस के एंड से टकरा कर आ रहा है, हाउ वी विल कम टू नो, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देन सब सर्फिस डिसकंटिन्यूटीज आर मोर subsurface discontinuity are more difficult to detect. subsurface मतलब just surface से थोड़ा अंदर रहती है. then no permanent record available unless one of the or more sophisticated test result and data collection system is used. मतलब कोई permanent record इसमें available नहीं रहता, आपको कुछ और उसमें लगाना पड़ेगा, like hard disk वगैरह लगाना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। देन वेरी थिक सेक्शंस कैन प्रूव डिफिकल्ट, सॉरी थिन सेक्शन, तो थिन सेक्शन इसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, थिन सेक्शन के लिए आपका एक्सरे अच्छा है, अगर थिक सेक्शन है, थिक में तो कितना भी थिक हो, तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक अच्छा है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर आपका सेक्शन थिक है तो कौन सा टेस्ट सुटेबल है, अल्ट्रासोनिक, अगर सेक्शन आपका थिन है तो कौन सा टेस्ट सुटेबल है, एक्सरे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक और एक्सरे दोनों मेथड ऐसे हैं कि आप किसी भी मटेरियल में अप्लाई कर सकते हो, नो मैटर कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, फेरस है या नॉन फेरस है, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, लेक्चर किस चीज का है आपका 11:20 से? सर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अच्छा, देखो वैसे सिर्फ 2 मिनट रह रहा है, बट जो अगला टेस्ट है वो मैं 2 मिनट में एंड कर दूंगा, तो जो कोई अटेंडेंस ले ले बस, मेरा कहना ये है, ठीक है सर। आशीष ले चुका है सर, अटेंडेंस हो चुका सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद ठीक है, 2 मिनट दीजिए बस, 10:11:20 पे सीधे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला टेस्ट है आपका एडी करंट टेस्ट। एडी करंट में आपको, एडी करंट क्या होता है ये आपको थोड़ा आइडिया होगा पहले से ही, है ना, कि जैसे कोई कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराते हो तो उसमें एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट जनरेट हो जाता है या ईएमएफ जनरेट हो जाता है, पता है ना? हाँ बेटा, एडी करंट का पता है सबको, आइडिया है? हेलो, यस सर। हाँ, अगर आपको एडी करंट पड़ता है तो फिर इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा, ठीक है, फिर सिर्फ इसको एक बार रीड करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल है इसका क्या है, व्हेन कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट इज ब्रॉट नियर मेटेलिक स्पेसिमेन
एडी करंट आर डेवलप इन द स्पेसिमेन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लाइन सबको क्लियर हो गई है, पहले से क्लियर होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ईएमआई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला तो करता है मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट पे, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द स्पेसिमेन पे, तीसरा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन पे, चौथा है शेप ऑफ द स्पेसिमेन पे, देन है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड स्पेसिमेन, देन है माइक्रो स्ट्रक्चर एंड हार्डनेस ऑफ द स्पेसिमेन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द स्पेसिमेन, ठीक है। तो आपका जो एडी करंट है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है, और इसी चीज का हमने फायदा उठाकर ये मेथड डेवलप किया है, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट है कि जो एडी करंट है वो डिपेंड कर रहा है आपका टाइप एंड डिफेक्ट, अमाउंट एंड टाइप ऑफ द डिफेक्ट, यानी उसमें अगर डिफेक्ट है आपके स्पेसिमेन में और कौन सा डिफेक्ट है और कितना है, उस चीज पर भी आपका एडी करंट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बस लास्ट स्लाइड है ये इसकी, दिस वन, ये आपका सैंपल है जो कि कंडक्टिव होना चाहिए, कंडक्टिव मटेरियल्स। यहाँ पे आपने एक एडी करंट डिवाइस लगाया है और ये आपका कॉइल गया है जिसमें के आपने करंट फ्लो कराया है, ठीक है। करंट फ्लो होने से ये मैग्नेटिक कॉइल का फील्ड जनरेट हो गया और इसमें फिर जगह जगह पर एडी करंट जनरेट हो गए, ठीक है। जगह जगह पर एडी करंट जनरेट हो गए हैं और वो एडी करंट इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें क्या डिफेक्ट है। बेटा म्यूट कर लो खुद को, बस एक मिनट है, लास्ट मिनट। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? टेस्ट इज क्विक, लेस टाइम कंज्यूमिंग, देन टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड इजीली, देन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द टेस्ट रिजल्ट कैन बी अवेलेबल, देन टेस्ट इज वर्सेटाइल एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। म्यूट करो बेटा खुद को, म्यूट करो फटाफट, एक मिनट और चाहिए बस। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? द इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन इज नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये इसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा बार बार, कैलिब्रेशन, ठीक है। देन इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्प्ले यूनिट आर कॉस्टली, कॉस्टली है ये। एंड देन टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू कंपोनेंट ऑफ लिमिटेड शेप एंड साइज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल। वो पत्र है कहाँ से फोन में रहा? थैंक यू सर, कंफर्म का, थैंक यू एवरीवन।